झारखंड के गढ़वा जिला के लोगों को सालों से इलाजी व्यवस्था देने वाले चिकित्सक परिवार द्वारा आज एक और मेडिकल सेंटर की शुरुआत की गई। हम बात यहां डॉक्टर यासीन अंसारी एवं उनके पूरा परिवार, जिसे चिकित्सक परिवार ही कहा जाता है, दो बेटे बहू सभी चिकित्सक हैं, उनके द्वारा पूर्व से ही एक अस्पताल का संचालन किया जाता रहा है। आज एक बार फिर एक और मिलाप मेडिकल सेंटर नाम के एक अस्पताल की शुरुआत की गई। जिला मुख्यालय के चिनिया रोड का जो इलाका है, वहीं पर इस मेडिकल सेंटर की शुरुआत की गई। आपको हम दिखाते हैं इस सेंटर की शुरुआत गढ़वा विधायक सूबे के मंत्री मिथिलेश ठाकुर द्वारा की गई, और वहां पर एक सादे समारोह का आयोजन भी किया गया, जहां पर जो डॉक्टर यासीन अंसारी द्वारा सभी का स्वागत किया गया, और साथ ही अस्पताल की शुरुआत कैसे हुई थी इस बाबत उनके द्वारा भी बताया गया। कहा गया कि हमारे साथ साथ हमारे बेटे और बहू मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने के बाद कहीं और बाहर जाकर के भी प्रैक्टिस कर सकते थे, लेकिन अपने यहाँ के लोगों को ही चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध हो, इस लिहाज से ही उनके द्वारा यहाँ पर अस्पताल की सालों पहले शुरुआत की गई और लगातार चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराया गया इलाके के लोगों को, पूरे जिले के लोगों को। सुदूर देहात से भी लोग यहाँ पर आते हैं। उस दौर में यहाँ अस्पताल की शुरुआत की गई थी डॉक्टर यासीन साहब द्वारा, जब यहाँ पर इलाज व्यवस्था लोगों को नहीं मिल पाती थी, सदर अस्पताल भी उस स्थिति में नहीं था जहां पर इलाजी सुविधा उपलब्ध हो। उस दरमियान यहां पर निजी नर्सिंग होम की शुरुआत की गई थी। आज एक आधुनिक, अत्याधुनिक हम कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, मिलाप मेडिकल सेंटर नाम की शुरुआत की गई, जहां पर आपको हर जो भी जिला मुख्यालय के चिकित्सक हैं वह मौजूद रहेंगे। उसमें आपके जो गायनी के डॉक्टर हो गए, बच्चे के डॉक्टर हो गए, सभी तरह के डॉक्टर जो अपने जिला मुख्यालय में मौजूद हैं, सभी वहां पर समय समय पर अपनी सेवा देंगे। तो एक अत्याधुनिक अस्पताल की शुरुआत आज की गई। हम आपको सबसे पहले उद्घाटनकर्ता मंत्री मिथिलेश ठाकुर की बातों को सुनाते हैं, जिसमें उनके द्वारा कहा गया कि यह सही बात है, यह पूरा चिकित्सक परिवार सराहना का पात्र है जिनके द्वारा अस्पताल की यहाँ पर शुरुआत की गई। सालों से यहाँ पर उन्हें इलाजी व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है लोगों को। आज सदर अस्पताल की व्यवस्थाएं भी बहुत हद तक सुधर गई हैं। अब देखने से भी लगता है कि हाँ, एक अस्पताल है अपने जिला मुख्यालय में जहां पर लोगों की इलाजी व्यवस्था उपलब्ध हो रही है। और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका में इस मेडिकल सेंटर के जो देख रेख करने वाले और के सर्वे सर्वा डॉक्टर अरशद, डॉक्टर असजद दोनों की पत्नियां, हमारे डॉक्टर साहब की दोनों बहुएं, जो अपने अपने क्षेत्र में, चाहे मेडिसिन के क्षेत्र में हो या गायनिक के क्षेत्र में हो, एनेस्थीसिया के क्षेत्र में हो, अपने अपने क्षेत्र में पारंगत जिनको हासिल है, सभी लोगों ने जो इसके लिए विशेष कोर्स होता है, पीजी का कोर्स होता है, वो किया है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ एनेस्थीसिया कि कोई डॉक्टर नहीं थे, और हमारे असजद, डॉक्टर असजद ने रिम्स में जाकर एक डिप्लोमा कोर्स एनेस्थीसिया का किया है, जिसका लाभ इसी मिलाप मेडिकल सेंटर को नहीं, पूरे गढ़वा जिले में जितने नर्सिंग होम्स हैं सभी को इसका लाभ मिलेगा। और ये मैंने इसका, इस मिलाप मेडिकल सेंटर का भी निरीक्षण किया, सभी आधुनिक सुविधाओं से युक्त ये मेडिकल सेंटर यहाँ स्थापित किया गया है। एक समय ऐसा था जब लोग छोटे छोटे बीमारियों में छोटी सी समस्या होती थी हेल्थ से संबंधित, तो लोगों को बनारस और रांची और या पलामू डाल्टनगंज की ओर देखना पड़ता था। आज स्थितियां बिल्कुल भिन्न है। आज हमारा सदर हॉस्पिटल आज एक सुपर स्पेशलिटी मल्टी हॉस्पिटल के रूप में आज देखा जा रहा है। आज बाहर से देखने पर लगता है कि एक कोई प्राइवेट हॉस्पिटल, इतना बड़ा हॉस्पिटल जिसकी भव्यता और अंदरूनी भी, आज वहाँ के डॉक्टर अपनी पूरी निष्ठा के साथ अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे सेंटर खुल गए हैं, जहाँ हमारे बगल में परमेश्वरी नर्सिंग होम है, यहाँ भी मिलाप मेडिकल सेंटर का उद्घाटन हुआ है। अब भी ये गढ़वा के लिए एक बहुत ही
सुखद बात कहें कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में गढ़वा काफी आगे की ओर जा रहा है और काफी अनुभवी, पहले एक समय ऐसा था कि MBBS से ऊपर के डॉक्टर यहाँ नहीं होते थे, आज हर एक क्षेत्र में चाहे वो ऑर्थो का हो, चाहे गायनिक हो या जनरल सर्जरी हो, या सभी क्षेत्र के में यहाँ जो उनको योग्यता उनकी होनी चाहिए, जो डिग्री होनी चाहिए वैसे डिग्री धारक, चाहे कार्डियोलॉजी में हो, सभी क्षेत्र में आज यहाँ डॉक्टर उपलब्ध हैं और अच्छी सेवा लोगों को बहुत एक रियायती दर पर, अगर यहाँ से रांची और हम या बनारस या डाल्टनगंज भी जाते हैं तो यहाँ से दुगुना तिगुना, एक तो आने जाने का खर्च, ऊपर से दुगुना तिगुना वहाँ पे मनमाना पैसा वसूला जाता है। यहाँ सभी लोग एक दूसरे से परिचित है, जानते हैं। अभी जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि हमारा पहला जो होता है, हम लोग जब MBBS की डिग्री लेते हैं तो हम जो शपथ लेते हैं कि हम मानव सेवा को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देंगे, उस ओर हमारे गढ़वा के जितने चिकित्सक हैं उसको प्राथमिकता देते हैं और यहाँ लोगों को काफी अब सुविधा मिल रही है और आगे हम उम्मीद करेंगे कि मिलाप मेडिकल सेंटर का लाभ लोगों को मिले। मिलाप मेडिकल सेंटर में जो सुविधाएं यहाँ उपलब्ध हैं वो अच्छे अच्छे नर्सिंग होम्स में, अच्छे अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में नहीं है, और जिन लोगों को इस तरह की किसी तरह की समस्या है वो बाहर की ओर न जाकर अपने शहर में, अपने गढ़वा में यहाँ आकर और जो उनकी समस्या है उसका इलाज कराने का काम करें। हमने अस्पताल के जो चिकित्सक हैं डॉक्टर असजद, उनसे भी जानना चाहा कि आखिर एक अस्पताल का संचालन तो सालों से हो ही रहा है, इस दूसरे अस्पताल की शुरुआत क्यों की गई, इस बाबत डॉक्टर असजद अंसारी ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। ये हर तरह का सुविधा का हम लोगों ने कोशिश किया गया है। आज मिलाप मेडिकल सेंटर जो चिनिया रोड में स्थित है, माननीय मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया और हम लोगों ने इसमें एक नया स्टार्टअप किया है कि जैसे ऑपरेशन कुछ भी होता है, सर्जरियन होता है, स्टोक्टोमी होता है या और भी कोई कई तरह का सर्जरी होता है, तो उसके लिए हम लोगों ने ICU की व्यवस्था रखी है कि सर्जरी के बाद हम लोग 24 घंटा उसकी मॉनिटरिंग करते हैं पूरी तरह से और उसको ICU में रखा जाता है। ये जनरली देखने को और हॉस्पिटलों में नहीं मिलता है, बड़े शहरों में है पर अभी गढ़वा में ये सब सारी चीज़ें नहीं है, तो वो एक हम लोगों ने स्टार्ट किया है। और फिर जैसे नॉर्मल डिलीवरी हुआ या सीजेरियन हुआ तो जो बच्चे के लिए है, जो एक जो कहा जाता है NICU, वो चीज़ की व्यवस्था हम लोगों ने रखा है। और जैसे बच्चे पैदा होते हैं उसी तरह से डॉक्टर शमशेर सिंह हैं जो कि यहाँ आ जाते हैं और बच्चे का पूरा तरह से चेकअप होता है और वो उस हिसाब से जो भी डिसीजन होता है उनके हिसाब से वो डिसीजन लिया जाता है, अगर उनको NICU में रखना है या फिर गार्जियन को दे देना है, वो सारा उन्होंने चेकअप करते हैं। ये सब सारी नई फैसिलिटी के साथ हम लोगों ने इसका स्टार्टअप किया है और भी हर तरह का यहाँ ऑपरेशन की व्यवस्था है और साफ सफाई पे पूरी तरह से हम लोगों ने ध्यान दिया है, जो कि हॉस्पिटल का एक अंग है जो कि दम होना चाहिए, हाइजीन मेंटेनेंस, ये सब सारी व्यवस्था हम लोगों ने की है। तो आपने जाना कि और देखा भी एक मिलाप मेडिकल सेंटर नाम से डॉक्टर यासीन अंसारी, उनके पूरा जो चिकित्सक परिवार है उनके द्वारा एक अस्पताल की शुरुआत की गई, तो आपको अब गढ़वा जिला मुख्यालय में जहां पर इलाज करा पाना काफी मुश्किल होता था, साधारण बीमार होने के बाद भी आपको रेफर होना पड़ता था, इलाजी व्यवस्था उपलब्ध नहीं हो पाती थी, लेकिन अब स्वास्थ्य के मामले में भी गढ़वा खास तौर पर महफूज हम कह दे तो कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि आप, क्योंकि सुरक्षित आप बीमार हो रहे हैं, आपकी जिंदगी को सुरक्षित रखने के लिए ऐसे मेडिकल सेंटर की शुरुआत यहां पर हो रही है और लगातार स्वास्थ्य के मामले में भी अपना गढ़वा जिला सुदृढ़ हो रहा है। धन्यवाद। अब आपके शहर गढ़वा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए एकमात्र विद्यालय ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, जहां बच्चों के लिए डिजिटल क्लासरूम, AC क्लासरूम, प्रत्येक बच्चों के लिए आधुनिक कंप्यूटर लैब, इंडोर आउटडोर गेम, डांस क्लास, म्यूजिक क्लास, बस की सुविधा, साइंस लैब के साथ साथ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रशिक्षित शिक्षकों के द्वारा एनिमेटेड वीडियो के माध्यम से पाठ्यक्रम को सरल बनाकर अंग्रेज माध्यम से शिक्षा प्रदान कराई जा रही है। एडमिशन ओपन क्लास प्री नर्सरी टू क्लास 8 फोर्थ सेशन 2023-24 ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, एड्रेस नारायणपुर टंडवा गढ़वा।